ये जो प्रयागराज से बसें चल रही हैं, लगभग 300 बसें चल रही हैं और अब तक जो है संभवतः 50 से अधिक बसें जो है वहां से निकल चुकी हैं और ये निरंतर सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो छात्र जाएंगे उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, ये बहुत जरूरी है और जहां भी मूवमेंट होता है स्वास्थ्य परीक्षण के आधार पर ही किसी को चलाया जाए और जहां रिसीव हो वहां भी पुनः जो है स्वास्थ्य परीक्षण हो, इस पर उन्होंने बल दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज कोटा से जो छात्र लौटे हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आज 4:30 बजे वार्ता करेंगे, ये एनआई पर दिखाई देगा 4:30 बजे और 100 छात्र अभी तक जुड़ चुके हैं उनसे। हमारा टारगेट है कम से कम 500 छात्र, जो 11,500 छात्र लौटे हैं उनसे जोड़ने का, तो अब तक 100 छात्र वीडियो कॉन्फ्रेंस से माननीय मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वहां पर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और बड़ी बेसब्री से मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, अपने घरों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से मोबाइल से अभी अपने होम क्वारंटाइन में है और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कल बताया गया वो उनका सामान्य हालचाल लेंगे, उनके बारे में उनके क्वारंटाइन में उन्होंने क्या क्या एहतियात बरता वो पूछेंगे। मुख्यमंत्री जी उन बच्चों से ये भी हिदायत देंगे कि वो कोरोना से लड़ने की लड़ाई में कैसे खुद अपना योगदान दे सकते हैं, इस पर भी वो निर्देश देंगे और उनकी पढ़ाई के बारे में भी एक सामान्य उनसे चर्चा भी करेंगे। तो लगभग 10 बच्चों से वो एक 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, तो ये 4:30 बजे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनपद वाराणसी, हापुड़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में भी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भेजने का निर्देश उन्होंने दिया है और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में अनुमन्य गतिविधियों को भी कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को व्यापक रूप से मजबूत करते हुए मास्क आदि के निर्माण का भी उनको कार्य दिया जाए, ये निर्देश उन्होंने दिया है। आज उन्होंने एसीएस राजस्व यानी अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार जी से समीक्षा, प्रत्येक जनपद के क्वारंटाइन सेंटर्स की क्षमता की और एसीएस राजस्व ने बताया कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि एक एक जनपद में 15,000 से 25,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था हो जाए, उसमें काफी क्षमता हर जनपद में हो गई है और लगभग सभी जनपदों में इस क्षमता का जो है आकलन कर लिया गया है और इस क्षमता के अनुरूप कार्रवाई भी कर दी है। शेल्टर होम में ये अनिवार्य रूप से आदेश है कि जो भी बाहर से व्यक्ति आएंगे उनको 14 दिन के मेडिकल क्वारंटाइन में रखेंगे। आपको मालूम है कि हरियाणा राज्य के सभी लोग कल आ गए, रात तक देर रात तक आए हैं, उनको सबको क्वारंटाइन में रख दिया गया है। इसी प्रकार चरणबद्ध रूप से जिन जिन प्रदेशों से सूची बनकर जहां मेडिकल का जो है टेस्ट हो जाएगा उनको एक एक प्रदेशों को एक नियमित व्यवस्था के आधार पर वहां के जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग लेके प्रदेश सरकार की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में लाने की व्यवस्था का निर्देश दिया है। उसमें सभी प्रदेशों से अब चर्चा शुरू हो गई है और उस पर कार्रवाई करनी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि उन प्रदेशों में इस बात का प्रचार हो जाए कि वहां जो भी लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं वहां के जिला प्रशासन के क्वारंटाइन सेंटर में जरूर रिपोर्ट करें, जिससे उनका मेडिकल परीक्षण हो जाए और क्वारंटाइन सेंटर से उनको लाने की व्यवस्था विधिवत हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने L1, L2 और L3 अस्पतालों के और शेल्टर होम्स और क्वारंटाइन सेंटर्स के निरीक्षण का भी निर्देश पुनः दिया है। क्वारंटाइन सेंटर पे कोई कमी ना रहे और किसी को कोई शिकायत न मिले तो जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गए हैं उनको भी स्वयं कहा है कि वो क्वारंटाइन सेंटर्स देखें और जिलाधिकारी और SSP को कहा है कि अपने क्वारंटाइन सेंटर जो भी जनपद स्तर पर है उनको वो स्वयं डेली जाकर देखें, जिससे कि कहीं कोई दिक्कत ना रहे।
L1 L2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था, L1 अस्पतालों के क्षमता वृद्धि की व्यवस्था और L3 अस्पतालों के बेड्स के बढ़ाने की व्यवस्था का भी निर्देश उन्होंने दिया है। सभी टेस्टिंग लैब्स में पूरी पूल टेस्टिंग की व्यवस्था भी हो, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। व्यापक रूप से पूल टेस्टिंग हो, ये निर्देश दिया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग भी करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है।